स्टूडेंट चेन रूल क्या होता है, एक एग्जांपल से क्लियर समझ में आ जाएगा। यदि वाई इक्वल टू साइन एक्स है तो आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो सीधा, डी वाई ओवर डी एक्स आप जानते हो कॉस एक्स आ जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। यदि हम इसको डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं तो हम ये देखेंगे कि साइन के आगे जो कुछ भी है उसको एक्स माना जाए, आप इसको एक्स मानिए। देखिए साइन तभी डिफ्रेंशिएट हो पाएगा जब इसको एक्स माना जाए, तो ये क्या हो जाएगा डी बाई ओवर डी एक्स। साइन को डिफ्रेंशिएट कर दें तो कॉस आता है, लेकिन लिखा यही जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स, ध्यान रखिएगा, इनटू जिस नंबर को आपने एक्स माना था, ये चेन रूल ध्यान रखिएगा, जिसे आप एक्स मान रहे हैं उसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करिए। इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा टू एक्स प्लस फोर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द चेन रूल। जिसको आप एक्स मान रहे हो उसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करिए।